हेलो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप शेयर टुडे में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिलायंस पावर लिमिटेड। इस स्टॉक में देखें तो आज के दिन 10 पैसे की गिरावट देखने को मिली, जो कि लास्ट फ्राइडे के दिन थी। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इस स्टॉक में मंडे को क्या टारगेट बनते हुए नजर आएंगे और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे ट्रेड करके चलना चाहिए। सबसे पहले अगर हम देखें तो इस स्टॉक में ऊपरी लेवल से लगातार एक गिरावट देखने को मिल रही है, जहां पर ये स्टॉक अराउंड एक हफ्ते में 7% से भी ऊपर की करेक्शन दिखाता हुआ नजर आ रहा है। और एक महीने की बात करें तो इस स्टॉक में 21% की गिरावट देखने को मिली है। जैसा कि आप देख सकते हैं चार्ट पैटर्न में भी, किसी स्टॉक का 24 रुपए का एक हाई बॉटम बना, वहीं से इस स्टॉक में लगातार एक गिरावट देखने को मिली। तो अगर आपके पास ये स्टॉक है तो आपको एक स्टॉप लॉस ट्रेड करना चाहिए, जो कि अराउंड निकल के आता है 11 रुपए 50 पैसे। 11 रुपए 50 पैसे का आप इसका शॉर्ट टर्म स्टॉप लॉस ट्रेड कर सकते हैं। और यहाँ से इस स्टॉक में एक ऊपर के बाउंस बैक देखने को मिलते हैं, तो ऊपर के शॉर्ट टर्म टारगेट 12 रुपए और सेकेंड टारगेट 12 रुपए 30 पैसे के देखने को मिलेंगे। और अगर आप इस स्टॉक में लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं तो आप 11 रुपए के बड़े स्टॉप लॉस के साथ ऊपर के लॉन्ग टर्म टारगेट 15 रुपए और 17 रुपए तक के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। पर इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म का व्यू रखना चाहिए, क्योंकि इसमें शॉर्ट टर्म में देखें तो एक करेक्शन देखने को मिल रही है, कि जहां पर ऊपरी लेवल से इस स्टॉक में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।